नमस्कार। आज एक नया कार्यक्रम G10 टीवी न्यूज चैनल के स्टूडियो में शूट किया जा रहा है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक पाठक साहब, ENT सर्जन हमारे साथ में हैं। तो आज दर्शकों को एक नई कड़ी इस G10 न्यूज चैनल के माध्यम से मिलने जा रही है, जिसमें हमारे साथ जो साथी होंगे वो अपने जीवन के उन तमाम पड़ावों के बारे में, अपने संघर्ष की गाथा, अपने कामयाबी की कहानी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हमारे किरदार जो इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाले हैं, वो किस तरह से अपने जीवन को इस तमाम सोपानों से गुजरते हुए एक ऐसे मुकाम पर लेकर पहुंचे जहां उनको एक आत्मसंतुष्टि मिली और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो इसी कड़ी में ये पहला एपिसोड आज आपके सामने है, संघर्ष से शिखर तक। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है G10 टीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार G10 के श्रोताओं का। और मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में अपना पहले परिचय दें, फिर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे आपके कार्य के बारे में, किस तरह से आप आगे चीजें करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विवेक कुमार पाठक, नाकान गला विशेषज्ञ और आप कह सकते हैं कि नाकान गला सर्जन, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ। बाकी मेरा एक क्लिनिक है सेक्टर 20 में, डॉक स्ट्रीट हेल्थ केयर के नाम से एक कंपनी भी हमने चालू करी है। और जो प्राइमरी जो मेरी डिग्री है वो MBBS और MS ENT, ये जो प्राइमरी डिग्री है। ये कहाँ से किया है आपने? सर मैंने जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज Okay. तो आपका OT नोएडा में सेक्टर 20 में है। जी सर जी। तो मैं चाहूंगा कि दर्शक हमारी जानना चाहेंगे कि आपने जो ENT सर्जन के तौर पर जो सफलता अर्जित की है, और आज दिल्ली NCR का तो है ही है, पूरे भारत में कैलाश हॉस्पिटल का बड़ा नाम है। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है, मंत्री जी है और आप वहां पर ENT सर्जन है। और आप अपनी कामयाबी के पीछे जो आपने ये सफलता हासिल की है, अपने मुकाम तक जहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है, वो थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि मैं मध्यम परिवार से आता हूँ, तो आपको पता ही है मध्यम परिवार से आने के बाद संघर्ष कितना ज़्यादा होता है जी। और उसमें प्राय और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राय आपको प्रतिदिन रोजाना आपको कुछ ना कोई जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जो रोगी हमारे पास आता है वो रोग लेके आता है, आपको उसका निदान करना होता है। आप कैसे वो निदान करेंगे, ये आपको अपनी बुद्धिमत्ता, आपने जो पढ़ाई करी है या जो भी आपने अब तक अनुभव प्राप्त करा है, उसके द्वारा आपको रोगी की आपको जो उसका निदान करना है। तो उसका जो प्रारंभ जो मेरा हुआ वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत चीजों में थोड़ा सा झांकना चाह रहा था, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, थोड़ा सा जानकारी दें। जी, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो हरिद्वार में हुई है सर जी। तो केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है 12वीं तक। उसके बाद फिर MBBS का दाखिला ऑल इंडिया के थ्रू हुआ था। उसके बाद MBBS का 4.5 साल की जो पढ़ाई है वो करी, फिर 1 साल इंटर्नशिप और फिर उसके बाद MS ENT ऑल इंडिया के थ्रू जी। ये तो आपकी शिक्षा दीक्षा की यात्रा रही। और कितना साल हो गया आपको इस तरह से वर्किंग? देखिए, MS करने के बाद में 12 साल इस क्षेत्र में अभी हो गया है जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था दर्शकों की तरफ से और उन जिज्ञासु जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल हो सकता है कि बचपन के बारे में थोड़ा सा आप अपने बताएं कि किस माहौल में आप पले बड़े, आपके माता पिता क्या करते थे और परिवार में कौन कौन है, और इस सफलता को हासिल करने में, प्राप्त करने में जो आपने पढ़ाई की मन लगाकर और आपका सिलेक्शन हुआ और आपने MBBS किया, MS किया, तो थोड़ा सा उस माहौल के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत संघर्ष के द्वारा जो है हमको पढ़ाया लिखाया। अभी हैं पिताजी आपके? माता क्या करते हैं? अब तो रिटायर हैं, वो अपना आराम सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओके। और सामाजिक सेवा में ज्यादा रहते हैं वो जी। जी, तो पिताजी जो है वो टिपिकली उसमें BHEL उसमें थे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में थे। ओके। और माता जी जो है वो संस्कृत की
टीचर थी। अच्छा आप ये बताइए, आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चुना? आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, कुछ भी बन सकता था कोई व्यक्ति, लेकिन आपके मन में ये कहां से आया कि मुझे डॉक्टर बनना है और वो भी ईएनटी का? ये तो बहुत स्पेशल है, ईएनटी तो बहुत सेंसिटिव। जी जी, बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले डॉक्टर क्यों बनना चुना, तो सेवा भाव इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी डॉक्टर चिकित्सक में अगर सेवा भाव है, तभी अब जो पेशेंट का ट्रस्ट डॉक्टर के ऊपर होता है। ये जो व्यवसाय है ये ट्रस्ट के ऊपर है, बिल्कुल विश्वास के ऊपर है। अगर पेशेंट आपके पास में आ रहा है तो उसको आपके ऊपर विश्वास है कि आप उसका रोग ठीक करेंगे, तो इसमें एक सेवा भाव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें भी स्पेसिफिक, आप ENT के हैं, मतलब अगर कान किसी का खराब हुआ सारे जीवन सुनेगा कैसे? ये भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए गला खराब हो गया तो फिर बोलेगा कैसे? तो मैं ये देखता था कि छोटे बच्चे, जो सपोज कि कोई बच्चा जन्मजात बहरा है, उसको अगर आप सुनने की क्षमता दे पाए, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई वृद्धावस्था में है उसको आप सुनने की क्षमता दे पाए, है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो और नंबर टू, नाक कान गले की सर्जरियाँ ऐसे अब बता दूँ आपको, काफ़ी जटिल होती हैं और इनको करना भी एक तरह से एक बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत, कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो इसके लिए बहुत, तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन से भी जुड़े रहे होंगे। बिल्कुल सर, मेडिटेशन बहुत जरूरी है किसी भी सर्जिकल ब्रांच के लिए, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना हो। तो ये आपने कब निर्णय लिया कि आपको इसी मतलब चिकित्सा सेवा में ही जाना है? ये तो 12वीं के बाद ही, आइए आप बोले 10वीं के बाद ही, 10वीं के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को चिकित्सा विभाग में ही जाना है। और ऑप्शन तो दूसरी तरफ भी था, लेकिन शुरू से आफ्टर 10th या 10वीं के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि चिकित्सा विभाग में जाना। तो आप अभी जिस हॉस्पिटल में हैं वहाँ कितने वर्षों से हैं वहाँ पर? 12 वर्ष हो गए। तो अभी आगे का क्या प्लान है, कुछ अपना प्लान किया है या सेवा में इस तरह से ही रहना है? अपना एक अपना क्लिनिक हमने सेक्टर 20 में डाला है, बाकी कला से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ 12 साल। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय जो ENT सर्जन है, स्पेशलिस्ट हैं, उनका एक किस तरह से उन्होंने संघर्ष से शिखर तक की यात्रा को तय किया है, तो वो लोग कुछ जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपके एक्सपर्टीज से हमारे दर्शकों को क्या लाभ मिल सकता है, थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक आप बताना चाहें अपने चैप्टर के बारे में? तो नाक कान गला सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कि हम उनकी देखभाल करें। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें हमारी सुनने की क्षमता भी एक इंद्रियों में आती है। अगर जब तक हमारे पे है तब तक हम उसका ध्यान नहीं दें, अगर और जब नहीं होगा तब हम उस पर ध्यान दें। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो जिसके पास नहीं होता उसको क्या पता होता है कि मैंने क्या चीज़ खोई है। तो सबसे पहले अपने कानों का पूरा ध्यान रखें, शोर शराबा जहाँ पे हो उन सब जगहों पे, वो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा हमको अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज़ होगी, जैसे अगर DJ पे गए हम तो तेज आवाज है वो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हमको वहाँ पे नहीं जाना। कानों के पर्दों के लिए बड़ा हानिकारी है, बिल्कुल नसों के लिए भी, पर्दे के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो शोर शराबे की वाली जगह से थोड़ा सा बचें और अपने कानों में कोई भी चीज़ बाहर से ना डालें। अगर हम एक हमारी टेंडेंसी होती है कि कान के अंदर बाहर से हमने कुछ भी चीज़ इवन की अपनी पेन पेंसिल भी कई बार चाबी भी लोग कान में डाल लेते हैं, लेकिन वो किस सतह पर रखी हुई है उसकी वजह से कान में इन्फेक्शन पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर दो मैं बोलूंगा कि बच्चों के अंदर हम कुछ अगर जन्मजात बहरापन है तो हम उसको अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज कर लें हम उसको, और अर्ली स्टेज में अगर बच्चे को हम सुनने की क्षमता दे पाए तो समाज के ऊपर इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं जो जन्मजात बच्चा बहरा है वो भी मतलब कान उसको मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। आज की डेट में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होती है, अगर हम उसको बहुत अर्ली डायग्नोज कर लें तो एक ऑपरेशन के द्वारा उसको हम एक नया कान दे सकते हैं, ये हम ये बोल सकते हैं। ओके, दूसरा जैसे ये तो ईयर का हो गया, एन माने नोज का है, इसकी क्या एक्सपर्टीज है, थोड़ा सा इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी मिलेगी आज आपके होने से। जी जी, तो नाक क्या ऐसा है कि देखिए नाक का जो काम है शरीर में, हम बोलते हैं कि ये नाक का एक तरह से वातानुकूलिया बोले एयर कंडीशन है, हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा लेते हैं। बिल्कुल, तो जो भी हवा हम ले रहे हैं उस हवा का हमको ध्यान रखना है। अगर हम ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है तो नाक के ऊपर हम थोड़ा मास्क ढक ले नाक को, मतलब ताकि जो एयर जाए वो फिल्टर होके जाए नाक के अंदर। आजकल तो इस पर बहुत ज्यादा, जो कोरोना काल अभी जस्ट देखिए ना, अभी भी रनिंग कंडीशन में है, तो इसमें तो इस समय बहुत ज्यादा
सेंसिटिव पार्ट है, इसको किस तरीके से क्या और प्रिकॉशन करनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई अगर एक्सपर्ट एडवाइस हो तो बताएं। जी ये पहले भी मैंने कार्यक्रम में बताया आपको, बाकी मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मास्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ही प्रिवेंट नहीं करता, ये और भी रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है जैसे टीबी हो गया, दमा हो गया, इनसे भी आपकी बचाव करता है, क्योंकि मास्क एक तरह का फिल्टर है, वो जब हम एयर लेते हैं उसको फिल्टर कर देता है वो, है ना। तो मास्क स्पेसिफिकली कोरोना से बचने के लिए तो मास्क जरूर, इसमें भी कुछ सेगमेंटेड है हमें किस तरह का मास्क लगाना चाहिए, अदरवाइज तो जनरल मास्क बहुत सारे हैं, लोग कह रहे हैं मत लगाइए इससे तो कोई फायदा नहीं है, ये लगाइए इससे बहुत फायदा है। नहीं नहीं फायदा तो हर किसी से होता है, अगर आप अगर कपड़े से भी ढक लेते हैं तो उससे भी फायदा है मतलब, है ना। लेकिन मास्क अगर बोले आइडियल मास्क तो फिर वो N95 होता है, अदरवाइज अगर नहीं है तो अगर आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क या इवन कपड़ा भी लगा लेते हैं नाक के ऊपर में तो उससे भी प्रिवेंशन होता है, तो इसको बोलते हैं ना सम प्रिवेंशन बेटर देन नो प्रिवेंशन। तीसरा पार्ट थ्रोट के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। हाँ जी, तो थ्रोट के बारे में बताना चाहूँगा कि हम कुछ ऐसी आदतें होती हैं जैसे कि तंबाकू का सेवन हो गया या जो बीड़ी सिगरेट ये सब का सेवन करते हैं लंबे टाइम तक, तो उनको स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपना, है ना, कि वही रेगुलर चेकअप कराते रहे, कोई भी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, आवाज़ में आवाज़ बैठ रही है तो तुरंत की तुरंत जो है उसका। इसमें एक वोकल कार्ड बहुत स्पेशल होती है, अगर वो गड़बड़ होगी तो आवाज़ चली जाती है, हमारे एक दो साथी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ उनकी वोकल कार्ड निकाल दी गई है तो बोल नहीं सकते। आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली, उसी बात में आ रहा था, तो इस विषय पर मैं चाह रहा था चर्चा। तो वोकल कॉर्ड अगेन मैंने आपको ये बोला कि इंद्रियां बहुत जरूरी है, अगर आप जब तक वो हम यूज कर पा रहे हैं तब तो हमको लगता है कि भाई ये हमारे पे है, जब वो नहीं है तो हमको उसकी अहमियत मालूम चलती है। बिल्कुल, अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आदमी के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो पहले से ही हम अपनी आदतें ऐसी डालें कि हमको उस अवस्था में जाना ना पड़े, उसके लिए हमको समाज में क्या संदेश देना है, ये देना है कि भाई तंबाकू का सेवन ना करें, अगर कर रहा है तो उसको छोड़ दें तत्काल प्रभाव से, उसको छोड़ा जाए, ताकि उसका हम जानते हैं कि जो टोबैको जो तंबाकू होता है उसका कंपाउंड होता है निकोटीन, क्योंकि एक नोन रिस्क फैक्टर है कार्सिनोजेनेसिस के लिए, कैंसर के साथ साथ थ्रोट को भी खराब करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेसिफिकली तंबाकू तो खास करके। तो सर कैलाश हॉस्पिटल के अलावा भी कहीं आप प्रैक्टिस करते हैं? सर मेरा क्लिनिक है, मैं सेक्टर 20 में है। दर्शकों इस समय जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, जो भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, और डॉक्टर साहब से जो चर्चा ये चल रही है, चूंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं विदा लेने का, तो चूंकि अब हम विदा लेंगे और आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, और डॉक्टर साहब से जब मिलना चाहें आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मिलिए और अपने नाक कान गला एकदम ठीक रखिए, और इसके लिए जो भी टिप्स चाहिए डॉक्टर साहब उपलब्ध होंगे, नंबर नोट कर लीजिए। डॉक्टर साहब कुछ और आप संदेश अगर देना चाहें, चूंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं विदा लेने के लिए, तो दर्शकों के लिए कोई आपका संदेश जाते जाते? तो संक्षिप्त के एक श्लोक के साथ मैं जरा ये संदेश देना चाहूंगा, कुछ आप कहना चाहें? बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुः भाग्भवेत्। तो कोई भी आपको तकलीफ हो नाक कान गला संबंधित, आप तुरंत उसका निदान लें, उसका उपचार कराएं, सही समय पर आप उसकी राय लें, एक्सपर्ट से राय लें। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, G10 न्यूज देखते रहिए, और डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट एडवाइस को मानिए और अपने ENT को फिट रखिए। नमस्कार।